गाइस, तो मंदिर में हो चुकी है पूजा हमारी, पूजा अर्चना हमारी हो चुकी है मंदिर में। तो गाइस मिलते हैं आपको अब थोड़ी देर में। और मॉर्निंग, कैसे हो आप? काकू गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो? बढ़िया। कमेंट्स आ रहे थे कल हमारे ब्लॉग में, मैंने पढ़ा था। आज का ब्लॉग तो थोड़ा सा लेट ही आएगा, कोई दिक मतलब कई इंसान फंस जाता है किसी चक्कर में तो टाइम लग जाता है। और गाइस कमेंट्स आ रहे थे कि आप सार्थक को अपने फ्रेंड के साथ छोड़ दो, फ्रेंड के साथ चले जाएगा, काकू को आप ले जाओ। तो गाइस हमने जाना है पूरी फैमिली के साथ। फैमिली का मतलब चारों। फैमिली होता है हाँ, तो वो तो है इसीलिए। ही, हाँ अकेला नहीं छोड़ना, नहीं वो तो अकेले कहाँ जाता, कहीं जाता ही नहीं बेचारा। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई इसको देख वो नहीं देखभाल नहीं करेगा या कोई पूरी कुछ नहीं फैमिली करेगा, है बट पूरी वही है फैमिली कि है। घूमने बट फिरने तो नहीं जाता ना वो, घूमने फिरने, बहुत फिर कम दोस्तों, जाता देखो है। दोस्तों के साथ अलग होता है। हाँ अपने साथ अलग ही होता है मजा, फिर हाँ घर बच्चे। घर के साथ जो घर का माहौल होता है वो अलग होता है, दोस्तों का हाँ माहौल अलग होता है। फिर ये पता रो रहा चलेगा है, कभी किस घर ये जा रहा रो है रहा वो। है, ये रो रहा है। क्या हो गया? फिर रोना आ गया तुझे? काकू रोना नहीं है, अरे आप चले जाएंगे यार, जाएंगे यार, अब जल्दी उसका एग्जाम है देखो, आज। इसकी एक छुट्टी करवानी पड़े तो करवाओ, पर इसकी अगर वेट काकू की करो। छुट्टी भी करवानी पड़ गई स्कूल की तो अभी ले जाऊंगा अगर हाँ एक, क्योंकि पहले नहीं दिन तो वैसे पढ़ाई कम होती है, ठीक है ना? तो देखते हैं फिर 11 बजे सिचुएशन। तो चालू होगी इसकी, इतनी जल्दी नहीं होगी ना, जाने के बाद भी 11 तारीख को होगी 11 तारीख इसकी। को। हाँ हाँ अगर 3 को खुलेगा तो 11 को होगी, तो उसके पास है एक सब्जेक्ट में मिल जाती है एक दो दो 3 दिन। चलो कोई प्लांट हमारे, सुबह हुई है बारिश यहाँ पर, और मनी प्लांट ये देखो, हमारे मनी प्लांट ये देखो कितने सुंदर है। तू यहाँ से खरबूजे कैसे लेकर आ रही है भाई अरे से? वो खरबूजे वो थैली दिया तो भाई ने, वो मेरे यहाँ से फट गई नीचे, फट गई मेरे है? बच गई है कितने का दिया है? ये। अभी थोड़े से ज्यादा महंगे नहीं है इस टाइम, हाँ ये है दिया है इसने 50 के 1.5 किलो दिया है। 12.5 रुपए का एक पीस। हाँ 50 के 1.5 किलो, क्योंकि अब वो कहता है लास्ट हो गए ना, थोड़ा तो महंगा मैं कर गाइस को ये दिया दिखा रहा था सुबह कितनी बारिश हुई है, और ये पौधे हमारे फिर हरियाली जो हो चलो। गए, हाँ हरे वो देखो ऊपर हरे वाले पौधे कितने हैं, मस्त हो और गए, ऊपर वाले ये जो देखो धूप कितने में गिर बढ़िया, गया सूख जाते हैं। अब फूल सूख जाते हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये वाला फूल सूख गया और ये नया फूल आ गया यहाँ पर, और इनके पत्ते तो देखो बिल्कुल क्रिस्टल जैसे पत्ते लग रहे हैं अभी इनके, हाँ नए हो गए हैं लकी सारे। है मस्त है ऐसे। तो गाइज ये फाइनल हो चुका है सारा काम, आपने देख लिया होगा ललिता भाभी का, ये टीवी भी लग गया है। अब बड़ा टीवी लगेगा यहाँ पे, कम से कम 5 इंच का, 42 इंच का। और ये खड़खड़ कर रहे हैं भाई साहब, रुको खड़खड़ मत करो, थोड़ा सा ब्लॉग बनाने दो, ये बाहर की रिपेयरिंग हो रही है। हाई को कह दीजिए गाइस को। एसी का पानी गिरता है ना तो हाँ, खड्डा हो गया था, तो अच्छा इसलिए मैं लगवा रही। आप अपना नंबर बता दो मुझे, बड़े फोन आते हैं भाई साहब, आप अपना नंबर बता दो आप। 9870-99-99-14-99-14-99-35। हाँ इंग्लिश मारी बहुत बढ़िया किया है। तो गाइस कोई भी काम कराना हो, मतलब क्या क्या काम करते हो? इनको काम दे दो, कोई भी सारा काम काम करते हैं, पेंट का, पीओपी का, लकड़ी का, टाइल का, पत्थर का, पूरी बिल्डिंग भी बनाते हैं। अच्छा ये पूरे ठेकेदार है, सारे काम करते हैं। तो गाइस किसी को, मेरे पास काफी फोन आ रहे थे कहाँ से काम किया था, अगर कोई करना हो तो नाम राम रामवीर जी है ना आपका? रामवीर जी है। जय राम, जय श्री राम। डेकोरेटर इंजीनियर है। हाँ जी डेकोरेट इंजीनियर है ये, तो शुक्रिया। हाँ जी एक बार इनको बुला लो, सारा काम इन्हीं का होता है। अच्छा कोई जी हमें अपना बंदा नहीं बुलाना है, सब काम इन्हीं का, यही लाते हैं सारे। अच्छा जी बिजली वाला हो गया, ठेकेदार हो गया, मतलब सेंट्री का काम, कोई काम सब इन्हीं का। ये हमारी पूछी हमारे पास खड़ी हुई है, पूंछ हिला रही है। हाँ हाँ मेरे बेटा। तो गाइस यहाँ पर फाइनल लुक है बस, सबसे यहाँ पर वाइट वॉलपेपर लगने हैं यहाँ पर। चलो गद्दा लेकर आ गए हैं, बढ़िया सा गद्दा देख लिया होगा, बहुत सॉफ्ट और सुंदर गद्दा है। सार्थक जी वो मैसेज आ रहे हैं कि आपको छोड़ के चले जाओ, छोड़ के जाएं आपको? नहीं नहीं मैं अभी आप लोगों के साथ जाऊंगा। हमारे साथ ही जाएगा, अभी पेपर हो जाएंगे ना उसके हाँ। बाद फिर बीच में देखते हैं कब जाना है। अच्छा हाँ। तो ये भी मनाली तो गाइस ये अभी होकर आया था, आप कह रहे हो ना जनवरी में होकर आया था। जनवरी में जब हमारी मेरी मम्मी एक्सपायर हुए थे ना, तो ये बेचारा वहीं पर था, इसको कॉल किया था और ये इमरजेंसी में फिर फटाफट वहाँ से अपना अपना ट्रिप कैंसिल हो गया था इसका। 9 तारीख को मम्मी एक्सपायर हुए थे ना माँ जी, और तू कब गया था? 7 को गया था ये बेचारा, 7 को गया था और 9 तारीख को माँ जी एक्सपायर हो गए थे ये, उसी वक्त फिर अगले दिन ही आना हुआ, क्योंकि बस 10 को ही आ गया था, 9 को बस मिली नहीं थी इसको। तो गाइस हम जाएंगे तो फैमिली वाले सारे साथ ही जाएंगे, ठीक है? अब कभी भी ट्रिक बन सकता है हफ्ते 10। तो गाइस मैं शॉप से आ रहा था तो मेरी हुई है पारस से बात, मिल लिया है, उन्होंने अपने दिल की बात कही है, तो मिले कर बताएंगे आपको क्या बात हुई है। बस रास्ते में ही पड़ता है उनका घर, वो रहा सामने उनका घर,
तो रास्ते में बढ़ता है, जानते हैं अरमान जी को भी जानते हैं, मिलते हैं, मतलब हमारे घर के पास में ही रहते हैं। तो फिर गाइस नेक्स्ट ब्लॉक में आपको या पीछे ब्लॉक में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी उनके ब्लॉक भी नहीं आ रहे हैं, तो आपको दिखाऊंगा क्या बात हुई है क्या बात नहीं हुई। उससे बच्चे ने आया था भाई, गाइस मेरा होमवर्क सारा कंप्लीट हो गया है, आपको बस भाई के पेपर खत्म हो जाए फिर हमारा जो प्लान था। अच्छा वो मिले थे आज रास्ते में, अभी जा रहा था ना तो पारस मिले थे, पारस तेरे पारस भैया जिससे, हाँ पारस भैया, वो कह रहे थे आने के लिए घर पे, तो जाएंगे अभी टाइम मिलेगा तो फिर निकल जाएंगे, ठीक है ना, उनके मिल के आएंगे। तैयारी है वो गली में पार्ट है ना मावी के घर में, अच्छा वहाँ जा रहे हैं। चल ठीक है ओके आ जा वहाँ पर। तो अभी मैं आ रहा था रास्ते से, वो अच्छा, मिला था पारस मिला था। अच्छा हाँ कह रहा था आने नहीं कुछ, कह रहा चाचू आ जाओ आ जाओ। अच्छा। मैं कहा नहीं मैं बाद में आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बात बूत की थी, वीडियो थोड़ी सी दी थी, तो खुद भी उनकी वीडियो अभी आ नहीं रही है। अच्छा। तो क्या बात हुई है क्या नहीं है फिर बताएंगे बाद में गाइस को, ठीक है ना। तो वैसे हाल चाल पूछ रहे थे, कह रहे थे आने के लिए, कह रहे घर के आगे आगे से आप निकल जाते हो, आते नहीं हो। काकू का भी बड़ा दिल कर रहा था ना कि जब मिले, वो कह रहे था आने के लिए, मैं कहा काकू को लेकर आराम से आऊँगा आपके घर में, ठीक है। तो जाएंगे अभी फिर चलते हैं, थोड़ा सा ठीक हो जाए फिर चलते मिल के आते हैं, ठीक है ना। ओके तुम जाओ भैया फटाफट करो लंच पंच वगैरह। काकू जी आंखों में दवाई डाल ली है, क्या आप ठीक हो गई हैं आँखें? हाँ। डॉली अब इसकी आंखें ठीक हो गई हैं। हाँ, हल्का हल्का सा है अभी ना। हाँ, कसर है अभी। चल अब धूप में अब निकलियो मत, बाहर मत जाइयो खेलने खुलने के लिए अब, ठीक है ना। तैयार जाने के लिए तैयार हो गई है, रात का वो जो छोले भिगोए हुए हैं वो शाम को अभी थोड़ी देर तक आ जाएंगे, आके मैं बना लूंगी रात को। रात को बना लेगी छोले? चल ठीक है, छोले चावल बना लेंगे बस। छोले चावल बना लेगी और थोड़े से ड्राई वाले रख लेगी। हाँ, वो सारते को पसंद है ना सूखे वाले, मैगी मसाला डाल के। हाँ, उसको बहुत पसंद है वाला खाने के लिए। तो गाइस मैगी मसाला डाल के छोले बहुत ही टेस्टी और अच्छे बनते हैं और होते भी हेल्थी हैं। वैसे इसका पानी मत फेंको, नहीं बिल्कुल भी नहीं फेंको, जो छोले का पानी में वैसे बड़ी ताकत होती है। तू कोई नहीं पीता ना, आपको भी बोलती नौटंकियां करते हो, सब खुद ही पी लेते। नमक डाल के, ताकत मेरे अंदर नमक डाल के। काकू ने दवाई डाल के सो रहा है अब। हो गया, आंख बिल्कुल ठीक हो गई है उसकी, ठीक है। तो हो गया, फटाफट आओ भाई साहब आप, मैं फिर खाना खुना खाकर निकलता हूं। ठीक है जी। सर दो चार पत्ते तोड़ ले चाहिए होंगे ये वाले। हाँ। दो पत्ते ले ले बस, दो पत्ते, ठीक है। ये चाहिए अशोका के पत्ते। हाँ, चलो, चलो। मेरी बात सुन, वो टॉफियाँ टूफे ले लिए ना, सामान रख लिया। ओए 500 का नोट मिला है, चल रख ले भैया। काकू को मिला है 500 का नोट, 500 की बोनी हो गई है। हाँ। तो अब इसका क्या करेंगे? हैं, मम्मी को दे देंगे। टॉफी इसकी नहीं दिलानी, और दिला दूंगा। यहाँ तो ये, यहाँ तो गाइस ये 500 का नोट जाएगा खजाने में, कहाँ पे यहाँ पर पड़ा हुआ था ना, किसी का गिर गया होगा यार। अब बिल्कुल इस समय दोपहर का टाइम है ना, कोई भी नहीं है। ये देख, दोपहर का टाइम है, कोई भी नहीं है, आम वाला ही आ रहा है बस। और ठीक है, ये खजाने में रख देंगे या मंदिर चढ़ा देंगे, देखेंगे क्या करेंगे। लोग जो कमेंट्स करते हैं कि जो पैसे मिलते हैं ना उसको खजाने में रख लेते हैं। तो ये दुकान आ गई, दुकान से सामान, तेरे को टॉफी ले देता हूँ मैं, ठीक है। चल 500 का नोट मिला इसको। शॉप देखो, हाँ 500 दो नोट आ रहा है। चल रख लियो, ये खजाने में डाल देंगे, ठीक है ना, जो चढ़ाने बढ़ाने का काम आएगा या कुछ करने के। चला फटाफट जल्दी चलो। ये बनेंगे वाइट, कौन से छोले? काले छोले, काले छोले बनेंगे। हाँ जी, प्याज हमारा भून गया था, अब हमने डाल दिया इसमें ग्राइंड करके टमाटर मिक्सी में, और इसका मसाला भूनता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या किया आपने? ये काले छोले को पीस के रखा हुआ है ना, अभी डालूंगी बाद में तरी में। अच्छा, मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, ऑयल बिल्कुल सरफेस पे आ गया एकदम इसके। और अब इसमें जाएंगे पीसे हुए जो छोले थे और मसाले जाएंगे, किचन किंग मसाला, नमक, हल्दी, मिर्च, छोले मसाला, यही जाएंगे ना डॉली? हल्दी वगैरह सारी चीजें यही जाएंगी, हल्दी, नमक, गरम मसाला। इसमें सारे बेसिक मसाले डाले हैं डॉली ने, इलायची डाल दी है, दालचीनी का टुकड़ा डाला है, एक टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया है, बाकी नमक, मिर्च, हल्दी, अमचूर, धनिया, ये सारे लाल मिर्च, ये सब बेसिक मसाले हैं। और किचन किंग मसाला, किचन किंग मसाला और चना मसाला ये भी डाला है। आप छोले डाल रहे हैं इसमें, गार्निश कर लो धनिया से, गार्निश करेंगे। थोड़ा सा उठा के दिखाओ ना, चलाकर दिखाओ, चलाकर दिखाओ। तो गाइस हमारे छोले बनकर बिल्कुल हो चुके हैं रेडी, आपको साथ साथ मैंने छोलों की रेसिपी भी दे दी है। बिल्कुल गाढ़े छोले हैं, क्योंकि जो हमने छोले पीसे थे ना उसकी ग्रेवी से, मतलब उसकी बढ़िया ग्रेवी बनी। मैंने थोड़े से छोले रखे हुए हैं, उसको कल तड़का लगाऊंगी।
प्याज, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी हींग डाल के उसको चटपटी वाला बनाऊंगी। वो फिर चटपटे वाले छोले आपको परसों दिखेंगे, ठीक है ना? ये कल के ब्लॉक में आएगा। ब्लॉक का एंड कर दे, खड़ा हो जा। मैं तो ऐसे लेटा हुआ था। ब्लॉक का एंड करो फटाफट। मैं छोले चावल खा लिए मैंने, तब तक के लिए करते हैं ब्लॉक का एंड। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तब तक के लिए बाय और बहुत सारा प्यार देना।